नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स टू योर लव एंड सपोर्ट। हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्ते, तो आज मैं आपके लिए ब्यूटीफुल डिजाइनर स्लीव का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। ये डिजाइन दिखने में जितना ब्यूटीफुल है उतना ही ये बनाने में आसान है, तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे नॉर्मल स्लीव लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर मैंने स्लीव को कटिंग किया है। इस स्लीव की लंबाई मैंने 21 इंच ले ली है, यानी कि ये मेरी फुल स्लीव होगी। यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। नीचे की तरफ आपका जितना भी रिस्ट का राउंड होगा, यानी जहाँ पर आपकी स्लीव की लंबाई आती है वहाँ पर आप राउंड में मेजर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा पूरा 9 इंच आता है, उसका हाफ होता है 4.5 इंच। अब जितना भी राउंड है उसका हाफ कीजिएगा और 1 इंच प्लस करके मार्किंग कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग किया और बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का मार्किंग किया। अब ये ऊपर की तरफ मैं लाइन ज्वाइंट करूंगी और बाहर की स्लीव को कट करूंगी। इसमें अलग कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्लीव का कटिंग करना है। बस नीचे की तरफ जितना भी आपका राउंड होता है उसमें आप 1 इंच लूजिंग एक्स्ट्रा रखिएगा, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं करना है। अब नीचे की तरफ में अनइवन था वो इवनली कट कर दिया। अब यहाँ पर हमें 2 इंच यानी 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है और वहां से होके हमें हल्का सा कर्व शेप देना है। ये कर्व शेप बॉटम से होके देना है। यहाँ पर ये 2 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच, इस तरह से इसका मार्किंग होगा और ये कर्व शेप देना है। इसको कट कर देंगे। यहाँ पर कोना आया है तो यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे। ये हो गया हमारा कटिंग। अब यहाँ सेंटर में एक इस तरह से लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ। ये लाइन 5.5 इंच तक ऊपर की तरफ खींचनी है। आप ये बस ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर मार्किंग आता है ऊपर की तरफ 5.5 इंच का, ये आपके एल्बो लेंथ के नीचे ही रहे। फिर आप ये अपने स्लीव लेंथ के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये मार्किंग आपके एल्बो लेंथ के नीचे ही रहे, इसका ध्यान रखेंगे। अब ये 2 स्लीव हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। ये मार्किंग हम दोनों स्लीव के ऊपर करेंगे 5.5 इंच का। उसमें से एक स्लीव को मैं निकाल देती हूँ। दोनों स्लीव अलग कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर पाइपिंग को अटैच करना है। तो ये मेरी रेडीमेड पाइपिंग है या फिर आप डोरी पाइपिंग यूज कर सकते हो बनाई हुई, उसका वीडियो भी हमारा अपलोडेड है और उस पाइपिंग को वीडियो में दिखाए अनुसार हमें अटैच करना है। ये पाइपिंग हमारे स्लीव की सीधी साइड के ऊपर अटैच होगी। तो ये स्लीव की सीधी साइड है और उसके ऊपर इस तरह से हमें पाइपिंग को रखना है। पाइपिंग की जो फ्लैट साइड होती है वो हमें बाहर की तरफ रखनी है और डोरी वाली साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी। इसके लिए मैंने जिपर फुट का इस्तेमाल किया है। अब ये अटैच करते हुए हम सेंटर लाइन तक आ चुके हैं। जहां पर सेंटर लाइन बनाई है उसकी एक और हमारी ये पाइपिंग रहेगी। सेंटर लाइन हमें यहाँ पर शो हो रही है तो लाइन के एक और हमारी पाइपिंग होगी। ऊपर की तरफ आने पर इसको टर्न करेंगे। टर्न करते समय हमें यहाँ पर छोटी प्लेट लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो छोटी प्लेट आप ले लीजिएगा वीडियो में दिखाए अनुसार और फिर इसको टर्न करना है। एक दो स्टिच लगाएंगे और फिर से एक प्लीट छोटी लेंगे। आप देख सकते हो थोड़ा ब्लर है लेकिन दिख रहा है इस तरह से, और इसको टर्न करेंगे। प्लीट्स की वजह से हमें ये अच्छे से टर्न होगा और फिर से इसको नीचे की तरफ स्टिच को लेके जाएंगे। ये जो पाइपिंग हमने सेंटर लाइन में अटैच की है आप देख सकते हो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं जाएगी। अब बॉटम में आ चुके हैं और ये साइड भी हमारी अटैच करके हो चुकी है। तैयार हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। अब इसको साइड में रखेंगे और फिनिशिंग के लिए ये हमने मैचिंग कपड़ा लाइनिंग का लिया है। इसके ऊपर स्लीव की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। यहां पर इसको इस तरह से रखना है कि ऊपर 1 इंच रहे
और यहां पर आपको स्टिच दिख रही है, इस स्टिच के ऊपर से हमें स्टिच लगानी है। तो ये जो हमने सीधी साइड में पाइपिंग अटैच करते समय जो स्टिच लगाई थी, वो स्टिच उल्टी साइड में साफ नजर आती है, उसी स्टिच के ऊपर से, उसी सिलाई के ऊपर से हमें यहाँ पर सिलाई लेते हुए जाना है। और ये सिलाई लगाते समय हम जिपर फुट का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। इससे हमारी गुम पाइपिंग बनेगी, यानी कि जो पाइपिंग की सिलाई है वो दिखेगी नहीं, तो इसलिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। ये पूरी स्टिच लगाने के बाद ये इस तरह से होगा। अब देखिएगा ये आपकी फिटिंग के साथ पाइपिंग आई है या नहीं, अगर थोड़ा सा लूज लग रहा है तो फिर से एक बार स्टिच लगा के ले लीजिएगा, ताकि ये जो पाइपिंग है ये सीधी साइड में फिटिंग के साथ नजर आए। तो फिर से एक बार स्टिच लगाए गए, जहां पर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी लूज पाइपिंग लग चुकी है तो वहां पर थोड़ा सा क्लोज होके, पाइपिंग से क्लोज होके सिलाई लगाएंगे। और बस ये हो गया मेरा। अब इसको हमें जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट करना है नीचे की तरफ का। ये कट कर दिया। अब सेंटर में बस एक ही कट लगाना है इस तरह से। कट लगाने के बाद यहां पर हम स्लिट लगाएंगे तिरछे, क्योंकि दो कोने हैं ऊपर की तरफ, तो इस तरह से दो स्लिट लगाएंगे वी शेप में। अब नीचे की तरफ भी पूरी तरह हम स्लिट लगा देंगे इस तरह से। दोनों साइड में हमें स्लिट लगा के लेना है। ये स्लिट हमने यहां पर लगा दिए हैं। अब इस स्लीव को इस साइड में ले लेंगे, ये हमारी स्लीव की सीधी साइड है। अब हमें यहां पर कपड़े को कट करना है, तो बस एक इंच की पट्टी रखेंगे हम सिलाई के बाहर शेप के अनुसार, और बाकी का जो कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। ये मैंने पूरी तरह से कट कर दिया, बस एक इंच की पट्टी छोड़ी है। अब इस पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करके लेना है, ताकि ये पाइपिंग फिनिशिंग के साथ हमारी ऊपर की तरफ नजर आए। पूरी पट्टी को हम अंदर की साइड में डालेंगे, यहां पर मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो आयन करके ले सकते हो। अब इसको उल्टी साइड में मैं ले लेती हूँ। उल्टी साइड में हमें ऊपर से होके 5.5 इंच पर मार्किंग करना है, क्योंकि हमने 5.5 इंच की सेंटर लाइन बनाई थी। दोनों साइड में हमें यह मार्किंग करके ले लेना है। मार्किंग करने के बाद जहां पर हमने मार्किंग किया है वहां पर हम इस तरह से कट करेंगे। ये बस 1/2 इंच हमने कट कर दिया, और ऊपर की साइड की पट्टी 1/2 इंच कट कर देनी है। इस तरह से ऊपर की साइड की पट्टी हमने 1/2 इंच ही रखी है, और नीचे की साइड की हमारी 1 इंच रहेगी। अब मार्किंग जहां पर किया है वहां तक हमें इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगानी है। ये स्टिच बस हमारी, हमने जहां पर मार्किंग किया है 5.5 इंच का, वहां तक ही लगेगी। यहां पर मैंने पट्टी को फोल्ड किया है और यहां पर मैं स्टिच लगा के ले रही हूं। स्टिच लगाते समय आप छोटा सा कट भी लगा सकते हो ये फोल्ड करते समय, ताकि ये फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। ये मैं छोटे सीजर की मदद से इसको फोल्ड कर रही हूं, ताकि ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए और ये स्टिच आ जाए। अब ये स्टिच हमें बस मार्किंग तक ही करनी है, यहां तक। यहां तक मैं रिवर्स स्टिच लूंगी और कट कर दूंगी। सेम इसी तरह से इस साइड की भी हमें स्टिच लेनी है, इस साइड की। यहां पर भी मेरे अंदर की साइड में फोल्ड करूंगी पट्टी को और स्टिच लूंगी मार्किंग तक। तो ये मैंने स्टिच ले ली है इस साइड की भी, जहां तक हमने मार्किंग किया था। दोनों साइड की हमारी पट्टी नीचे की तरफ की फोल्ड हो चुकी है। अब जो ये सेंटर लाइन है ऊपर की तरफ, वहां की पट्टी हमारी वैसी ही है, तो यहां पर हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। दूसरी पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की
चौड़ाई ले ली है पट्टी की और इसकी लंबाई आप 7 इंच तक ले लीजिएगा। इसको इस तरह से सेंटर में फोल्ड करना है इस पट्टी को एक बार, और फिर से एक बार इसको फोल्ड करना है, और फिर यहाँ पर सेंटर लाइन का निशान बनाना है इस तरह से। ये बन गया निशान सेंटर का। इसके ऊपर चौक से इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा। अब इस पट्टी को खोलेंगे और बॉटम से इस तरह से फोल्ड करके इसको फोल्ड करेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। इस पट्टी को मैं यहाँ पर रख देती हूँ इस तरह से। अब ये स्लीव की सीधी साइड है ऊपर की तरफ की, और जहाँ पर हमने 5.5 इंच का मार्किंग किया था उस मार्किंग के नीचे बराबर से पट्टी को रखेंगे और यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे। सेंटर लाइन हमारी बराबर से सेंटर में ही रहेगी पट्टी की, और उसके साइड से होते हुए हमें ये स्टिच लगानी है। अब ये स्टिच हमारी पाइपिंग से होके पाइपिंग के किनारे से होते हुए हम लेंगे। सेंटर में लाइन हमें ऊपर की तरफ दिखनी चाहिए। यहाँ पर हम टर्न करेंगे और स्टिच लेंगे, और फिर से कपड़े को टर्न करना है और इस सिलाई को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है। यहाँ पर दोनों पाइपिंग के बीच में जो गैप रहेगा पट्टी का वो 1/4 इंच से कम होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने यानी 1/4 इंच से कम डिस्टेंस पट्टी का ऊपर की तरफ शो होगा। पूरी स्टिच हो जाने के बाद यहाँ पर देखो मार्किंग तक ही हमने सिलाई लगाई थी बॉटम की, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि ये जो सिलाई है, ये स्टिच है, ये 1/2 इंच बाहर की तरफ से होते हुए लेंगे इस तरह से, और यहां तक ही लेंगे क्योंकि इसके नीचे हमने बॉटम की स्टिच ले ली है। अब इसको हम उल्टी साइड में ले लेंगे स्लीव को। ये सीधी साइड तो हो चुकी, उल्टी साइड में ऊपर की तरफ की पट्टी को, एक्स्ट्रा की पट्टी को कट कर देंगे। ये हो चुका हमारा, इसको मैं सीधी साइड में रखूंगी। ये फिनिशिंग के साथ पट्टी अटैच हो चुकी है। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव रेडी करके ले लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें डोरी का डिजाइन बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक स्लीव के लिए 32 इंच लंबाई की डोरी ले ली है। यानी दोनों स्लीव के लिए हमें 64 इंच लेंथ की डोरी बनानी है। इस डोरी को बराबर से सेंटर में पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। यहाँ से होके हमें सिलाई को शुरू करना है, और यहाँ पर जो हमारा डिजाइन बनेगा राउंड में वो उसकी लंबाई आप 1 इंच तक ले लीजिएगा। इसको इस तरह से क्रॉस करना है डोरी को नीचे की तरफ, बराबर से ये सेंटर में रहेगी, ये इसकी विड्थ, इसकी लंबाई 1 इंच रहेगी। अब सेंटर से होके हम यहाँ पर बराबर से स्टिच लगाएंगे। जहां पर हमने क्रॉस किया है डोरी को वहां पर अच्छे से दबाएंगे, नहीं तो ये जब नॉब आता है इसके ऊपर तो ये छूट जाएगा। अब सेम उसी प्रकार हम नीचे की तरफ 1 इंच लेंथ की ये डिजाइन बनाते जाएंगे। मैंने नीचे की तरफ इस तरह से डोरी को क्रॉस किया है और उसके ऊपर में स्टिच लगाते हुए जाऊंगी। इसी प्रकार हम एक एक करके इस डिजाइन को बनाते जाएंगे। ये राउंड में डोरी को बस घुमाना है, क्रॉस करना है, और उसके ऊपर से हम सेंटर से होके स्टिच लगाते जाएंगे। ये जो स्टिच है हमारी, ये दोनों पाइपिंग के बीच में से आएगी, यानी पट्टी के ऊपर से आएगी जो हमने नीचे की तरफ लगाई है। अब इस तरह से मैंने एक एक करके ये राउंड के डिजाइन कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इस डोरी की लंबाई यानी लेंथ 1.5 इंच रखेंगे दोनों साइड की और कट कर देंगे, और जो डोरी हमने कट की है नीचे की ओर वो लेंगे, उसमें से एक पीस इसको हम नीचे की तरफ अंदर की तरफ डालेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है, और डिजाइन की जो नीचे की स्टिच है वहां से होके स्टिच लगाएंगे ताकि ये जो सेंटर की डोरी है वो अटैच हो जाए। तो नीचे की तरफ हमारे ये डोरी के 3 पार्ट बनेंगे। सेंटर का पार्ट की लेंथ ज्यादा रखेंगे। नीचे की तरफ लटकन लगाने के लिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर में कपड़ा लिया है, इसको ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसके बीच में हम डोरी को डालेंगे
और यहाँ पर एक कोना बना के, त्रिकोण बना के यहाँ पर स्टिच लेंगे, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। इससे हमारे छोटे छोटे लटकन्स, कपड़े के लटकन्स बन जाएंगे। इसको मैंने सीधा कर दिया। अब ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसे मैं ट्रिम कर देती हूँ। और इसी प्रकार मैंने तीनों लटकन्स बनाए हैं और ये स्लीव का डिज़ाइन हमारा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी प्रकार मैंने दूसरे स्लीव को भी बना दिया है यहाँ पर। तो ये स्लीव का ब्यूटीफुल और यूनिक डिज़ाइन हमारा यहाँ पर रेडी है। तो स्लीव का यही मेथड यूज करके आप फ्रंट में मैचिंग नेक बना सकते हो। मुझे ये बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी ये उतना ही पसंद आया होगा। आप इसको अपने कुर्ती के स्लीव में या ब्लाउज के स्लीव में ट्राई कर सकते हो और एक अलग लुक दे सकते हो। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया है ट्यूटोरियल। अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।